वेलकम बैक गाइस हमारे चैनल दिशाफन में, एंड आज हम लोग करने वाले हैं पहली देखने वाले ऐसे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। गाइस जल्दी सब वीडियो शुरू करते हैं। क्या है वीडियो में? चार दोस्त मोहित, विराज, रोनी और भुवन एक जगह पर खड़े हैं, तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से एलियन कौन है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एलियन भुवन है, क्योंकि भुवन के हाथ बाकी सबसे अलग और अजीब है। अगले दिन मोहित, रोनी और भुवन विराज के घर जाते हैं और कहते हैं कि विराज तुम अभी तैयार नहीं हुए, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें चांद पर जाना है। विराज बोलता है कि मेरी बीवी ने मुझे एक सवाल पूछा है, उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। सवाल कुछ ऐसा है, इन चार बाल्टियों में से कौन सी बाल्टी में ज्यादा पानी है? मोहित को इसका आंसर पता होता है, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? आपका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे नंबर की बाल्टी में ज्यादा पानी है, क्योंकि उस बाल्टी में सबसे छोटी चीज रखी है, इसलिए उस बाल्टी में ज्यादा पानी रहेगा। चारों लोग चांद पर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी विराज की बीवी आती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे देते हो तो ही मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाने दूंगी। ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं? विराज इसका सही आंसर दे देता है, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है प्लेट्स, यानी कि थाली, जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं। चारों दोस्त चांद पर जाने के लिए निकलते हैं। दो दिन में वो चांद पर पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचते ही वो लोग वहां पर घूमते हैं और मस्ती करते हैं। तभी रोनी बोलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, हम गलत जगह पर आ गए हैं। तो रोनी को ऐसा क्यों लगा कि वो गलत जगह पर आ गए हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोनी ने देखा कि आसमान में अभी भी एक चांद है, तो रोनी ने सोचा कि अगर हम चांद पे हैं, तो आसमान में एक और चांद कैसे दिख सकता है, इसलिए रोनी को लगा कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। तो सभी लोग वापस पृथ्वी की ओर जाने के लिए निकल ही रहे थे और तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। चारों लोग डर जाते हैं, तभी एलियन बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। सभी बोलते हैं कि हमें मत मारो, हमें जाने दो। एलियन बोलता है कि अगर तुम ये बता दो कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है तो मैं तुम सबको जाने दूंगा, तो क्या आप इन चारों की मदद करेंगे ये पता लगाने में कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है? विराज इसका सही आंसर दे देता है, इस फोटो में ये गड़बड़ है कि आसमान में सूरज है फिर भी इन कैमल्स की परछाइयां नहीं गिर रही है। एलियन सबको जाने देता है। सभी लोग रॉकेट में बैठकर पृथ्वी पर वापस आते हैं और चारों लोग अपने अपने घर जाते हैं। विराज भी अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि विराज की बीवी का मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है? इसका क्लू आपको वीडियो के बिगिनिंग में मिलेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक सुसाइड है, क्योंकि विराज की बीवी के पास जो गन पड़ी है वो पहले से ही उनके घर में मौजूद होती है, इसलिए कोई और घर में घुसकर विराज की बीवी का खून करे उसके चांसेस बहुत कम है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमने लास्ट तक आंसर तो दिया लेकिन उसका वीडियो में वॉइस नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी। मैं इसके नीचे लिख दूंगा जिसका मैंने आंसर दिया था ठीक से। तो और हमारा फेस का वीडियो लास्ट में बंद हो गया था थोड़ा, क्योंकि कैमरा का चार्ज ख़त्म हो गया था। एंड सो इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड आज के लिए सॉरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।